नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 9 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बड़ा हादसा हो गया है। ताजिया जुलूस में घुसी पिकअप कई लोगों को रौंद दिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ है। ताजिया की जुलूस में पिकअप घुस गई। पिकअप ने जुलूसियों में शामिल कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके चलते कई लोग घायल हो चुके हैं। जुलूस में शामिल गुस्से में लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। नाकाबंदी की और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की है। ताजिया के जुलूस में पिकअप घुसने की घटना पुरानी शहर के जिला मुख्यालय की है। उस वक्त हंगामा हुआ था जब विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम के 40 दिन ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। ताजिया के जुलूस में शामिल लोगों को पिकअप द्वारा मारी गई टक्कर में करीब 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोग गुस्से में हैं। पूरे शहर को बंद कर दिया गया है। साथ ही नाराज लोगों ने जम्मा मस्जिद के सामने जाम लगा दिया है। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सूचना पर पुलिस प्रशासनिक मौके पर पहुंचकर और हालातों को संभालने का प्रयास कर रही है। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। प्रशासनिक ने जुलूस में शामिल गुस्से में लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदर्शनी पिकअप ड्राइवर और गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज कराने पर अड़े हैं। बता दें कि पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पिकअप चालक शराब के नशे में था। नशे के चलते हुए उसने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। गुस्से में लोगों ने सड़क जाम करने के साथ जमा मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गए हैं। तो अब तक सबसे बड़ी खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर जहां पर ताजिया जुलूस वालों को टक्कर मार दी है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।